गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय अरुणाचल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम यहाँ लोहित डिस्ट्रिक्ट से हैं और हम कल एक वीडियो बनाया था जो चकमा हिस्ट्री के ऊपर था। सो हम कल हम ये बोला था कि चकमा का हिस्ट्री हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में कुछ भी नहीं है और ना ही हम लोग का इंडिया में है उनका हिस्ट्री। उनका हिस्ट्री बस यही है कि वो लोग बेघर होकर बांग्लादेश से यहाँ आया था और यहाँ आने के बाद में हम लोग का यहाँ पर जगह दिया गया हम लोग अरुणाचल प्रदेश में। तो उनको यहाँ अच्छे से रहने का जगह में वो लोग यहाँ धरना करता है, प्रोटेस्ट करता है, लड़ाई करता है हमारे साथ में, जबकि हमारे साथ अच्छे से बैठना चाहिए, मिल के बैठना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर कल हम जब वीडियो बनाया था, आज का मेरा मेन मुद्दा क्या है, कल हम एक वीडियो बनाया था तो उसमें हर चकमा भाई हर किसी ने हमको गाली किया है। इट्स ओके ना, गाली तो चलता है, मगर हमको एक है जिसका नाम है यंग बॉय, फेक नेम है, हमको वो कमेंट करता है कि अगर तेरे को रास्ता में मिला ना तो मर्डर कर देगा, ऐसे धमकी आपको मारता है। मगर हम एक बात कह देना चाहेंगे, ऐसे धमकी से हम डरने वाला नहीं है। अगर आपको मर्डर करना है तो आप पहले मेरा सामने आओ, देखता है कौन किसका मर्डर करता है। और हम ये रिक्वेस्ट करेगा कि इनका अभी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं RPC के लिए, इनका अभी से इतना दम है कि मर्डर करने का तक का दम है। तो बाद में सोचिए कि जब इनको RPC मिल जाता है तो ये लोग और क्या कर सकता है, अभी तो बस धमकी दे रहा है, बाद में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है, जितना मेरा अरुणाचल प्रदेश का गवर्नमेंट है, CM है, मिनिस्टर है, इन सब से बस यही रिक्वेस्ट करेगा कि इनका जितना प्रोटेस्ट करना है इनको कर दीजिए, जो धरना देना है इनको करने दीजिए, मगर इसका कोई डिमांड पूरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी से इतना धमकी मार सकता है तो बाद में क्या कर सकता है, ये आप खुद भी देख रहा होगा अभी। और प्लस हम लोग का जो रिपोर्टर है लोहित डिस्ट्रिक्ट में या फिर अलग डिस्ट्रिक्ट में या हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में या ईटानगर में जितना रिपोर्टर है, उन सबको मैं रिक्वेस्ट करेगा कि इनका धरना को आप लोग TRP मत बनाएं, इनको छोड़ दीजिए, इनको जो करना है वो करने दीजिए, मगर आप लोग इस पर आप लोग इंटरफेयर मत कीजिए, क्योंकि आपका वजह से इनको एक थोड़ा सपोर्ट मिलता है। तो इसलिए आप लोग इनका वीडियो मत दिखाएं प्लीज़, हो सके तो अपना लोकल का अपना आदमी का दिखाएं, इन रिफ्यूजी का कोई बात नहीं सुनना चाहिए। और हम और एक बात कह देना चाहेगा, हम लोग का जो चकमा आदमी भाई है, आप लोगों को यहाँ पे रहने जगह दिया गया था, आप लोग अच्छे से रहना चाहिए, ना कि आप लोग का प्रोटेस्ट या किया झगड़ा, कभी जमीन का इशू, कभी PRC का इशू, कभी RPC, अभी आप लोग RPC का इशू बना रहे हैं। हम दाई बोलता है, जिस दिन हम लोग का अरुणाचल में हम लोग का लोकल्स, हम लोग ट्राइबल्स बहुत सारा है, हम लोग का जाति, हम लोग ट्राइब्स, जिस दिन ये सब एक होके आपका ऊपर टूट पड़ेगा तो वो दिन आपको कहीं भागने की जगह भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोग से भी, प्लीज़ हो सके तो आप लोग शांति से रहिए, अच्छे से बैठिए, आप लोग कोई तंग नहीं कर रहा है, आप लोग भी तंग मत करिए, अच्छे से रहने की कोशिश कीजिए, ये आप लोग हम कहना चाहेगा। और स्टेट गवर्नमेंट से तो यही रिक्वेस्ट करता है कि इनको कभी RPC या कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पहले भी जब हम लोग का PRC इशू हुआ था उस टाइम भी हम लोग का ईटानगर का कुछ तीन भाई था, हम लोग का भैया था, वो गुजरने के बाद, शहीद होने के बाद में PRC इशू रुक गया था। और फिर इसको अभी बढ़ाना नहीं चाहिए, ये रिक्वेस्ट करता है कि इनका प्रोटेस्ट, इनका धरना, वो जो कुछ भी है इनको आप लोग इग्नोर कीजिए, छोड़ दीजिए, और आप लोग खुद भी समझदार हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हम बस ये दिखाना चाहता था कि आज खुलेआम इतने सारे कमेंट का बीच में सोशल मीडिया में धमकी दे सकता है, तो वो आदमी जब RPC मिल जाएगा तो क्या कर सकता है, बस इतना ही मेरा आरोप दिखाना था। एंड थैंक यू सो मच।